हाँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे और पल पल की लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से लगातार पहुंच रही होगी। कुछ टीआरई 11 12th उम्मीदवारों ने उनके अच्छे प्रदर्शन के बावजूद बहुत खराब अंक मिलने की शिकायत की है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जाँच लें कि उन्हें OMR में से सही विषय संयोजन चुना है या नहीं। तो स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं BPSC TRE को लेकर अतुल प्रसाद ने बड़ा ट्वीट किया है और जानकारी दी है कि भाई आप एक बार जो है, अगर आप ऐसी शिकायत कर रहे हैं तो एक बार जो है अपना OMR सीट जो है वो चेक करने की बात वो कह रहे हैं। देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है कि सम TRE 11 12 कैंडिडेट्स हैव कंप्लेंट अबाउट गेटिंग वेरी पुअर मार्क्स डिस्पाइट देयर गुड परफॉर्मेंस। सच कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक विदर दे हेड सेलेक्टेड करेक्ट सब्जेक्ट कम्बिनेशन इन OMR सीट। तो उन्होंने कह दिया भाई कि आप अपना एक बार OMR सीट तो चेक कर लें कि आपने वो जो था सही ढंग से मिलान किया है। तो ये बात भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कही है। देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है यहाँ पे कि विज्ञापन संख्या दी गई है, अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 26/2023 विज्ञापन दिया है। विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा हेतु आयोजित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन के दौरान अयोग्य पाए गए या अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों का ध्यान आकर्षित करते हुए सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या दी गई यहाँ पे अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन के समय अपने अपने दावा को एवं उसके समर्थन में आवश्यक दे सकते हैं यहाँ पे लिखा है। तो कहीं ना कहीं तैयारी जो है फुल प्रूफ चल रही है BPSC की, घबराइए मत, जल्द से जल्द नया रिजल्ट जारी होगा। स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यहाँ पे अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन के समय अपने अपने दावा को एवं उसके समर्थन में आवश्यक प्रमाण पत्रों को समर्पित करते हुए इन सभी तथ्यों को सही होने की वचनबद्धता दी थी, परंतु दस्तावेजों के सत्यापन के समय आप पर्याप्त अवसर मिलने के बावजूद इसमें अनुपस्थित रहे और असफल पाए गए। तो देख सकते हैं भाई कि स्पष्ट रूप से एक बड़ा लेटर जो है आया है विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा हेतु आयोजित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन के दौरान अयोग्य पाए गए या अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या दी गई अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन के समय अपने अपने दावा को एवं उसके समर्थन में आवश्यक प्रमाण पत्रों को समर्पित करते हुए इन सभी तथ्यों को सही होने की वचनबद्धता दी थी, परंतु दस्तावेज में सत्यापन के समय आप पर्याप्त अवसर मिलने के बावजूद इसमें अनुपस्थित रहे, असफल पाए गए। तो देख सकते हैं कि अपडेट आ रही है और देख सकते लिखा जाता है, आपको निर्देश किया जाता है कि दिनांक 7/11/2023 तक आयोग के ईमेल पर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें कि क्यों नहीं आपके उक्त कृत्य का कदाचार की श्रेणी में मानते हुए आपके विरुद्ध विधि सम्मत अनुशासनी कार्रवाई की जाए एवं आयोग के, दे सकते हैं यहाँ पे लिखा है। तो दे सकते हैं यहाँ डेट भी पड़ी है और कह दिया गया है कि उक्त तिथि की स्पष्टीकरण होने की स्थिति में माना जाएगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, तथा लोक के में आयोग आपके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। विदित हो कि दस्तावेज सत्यापन के दौरान आयोग पाए गए एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है वो स्पष्ट रूप से सामने आ रही है, जैसे आज की डेट में लेटर जो है वो जारी हुआ है और कहा गया है कि भाई कुछ करेक्शन जो है वो अब होके रहेगा और जहां तक अपडेट आ रही है कि भाई दोबारा जो रिजल्ट है वो प्रकाशित होगा। दोस्तों में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।